अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तशकील हुसैन खोखर इज़ हियर, योर फिजिक्स टीचर। दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 5, क्लास मैट्रिक फेडरल बोर्ड, सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव्स? ट्रांसवर्स वेव बेटा ये है कि जैसे हम एक रस्सी को एक एंड से पकड़ लें और दूसरी यूं उसको अप एंड डाउन करें और उसमें जो वेव बनेगी वो ट्रांसवर्स वेव होती है। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करें कि वेव का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। द मोशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब परपेंडिकुलरली वेव का मोशन होता है। वो कैसे? जैसे कि वाटर वेव है, वाटर में जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने वेव मोशन और वेव कैसे जनरेट होती है वो पढ़ा था। इसी उसमें आप लोगों ने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा या घर में कोई एक्सपेरिमेंटली इसमें देखा होगा कि एक पानी में जैसे पत्थर फेंका जाता है तो उसमें वेव बनती है, तो वो जो है मतलब अप एंड डाउन इस तरीके से बनती है, क्रेस्ट ट्रफ इस जो है ना मोशन में जाती है वेव, जो है ना वो एनर्जी को कैरी करके जाती है। तो ये जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। अब आते हैं इसके एग्जांपल कौन से हैं, जैसे वाटर वेव है और वेव ऑफ रोप, एक रस्सी की जो वेव होती है वो, या स्ट्रिंग का जो है वेव है, जैसे स्ट्रिंग को हम जो जैसे ही ऐसे झटका दें तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी वो ट्रांसवर्स वेव होगी। अब आते हैं नंबर 2, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ वेव टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब उसका डायरेक्शन जो होता है वेव का वो जहाँ जिस तरफ वेव प्रोपगेट हो रही होती है, बढ़ रही होती है, उसकी तरफ होता है। अब आते हैं उसके एग्जांपल्स कैसे हैं और वो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें। जैसे स्प्रिंग की वेव होती है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। इसी तरीके से जैसे हम आवाज़ निकालते हैं, हम वेव जनरेट करते हैं मीडियम में, किसी मीडियम में, मीडियम कौन सा है, जैसे एयर है, उसमें जो है ना हम वेव जनरेट करते हैं, लेकिन वो जो वेव बनती है वो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन वाली वेव बनती है, उसको हम कह सकते हैं दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है बेटा, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसको आप जो है घर में कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि वेव्स कैसे जनरेट होती है, कौन सी कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है बेटा, तो इसको आप इसमें बुक में जो है ना एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल है, स्प्रिंग का एग्जांपल है, इसके एग्जांपल दिए गए हैं जो आपने इसको पढ़ना होगी। जैसे आप ये देखें फिगर नंबर 10.8 है, शायद 10.8 जो इसमें जो है स्प्रिंग है, एक एंड से वो किसी सपोर्ट के साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ हम जो है वो हाथ से उसको खींच रहे हैं। तो ये जो जैसे खींच रहे हैं तो इसमें रेयर फ्रिक्शन होती है और जैसे छोड़ते हैं तो ये कंप्रेशन होती है। अब आते हैं ये जो तीरा लगा हुआ है, इधर कंप्रेशन है और इधर रेयर फ्रिक्शन है, तो ये जो कंप्रेशन वाली जो वेव है ये आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, एक जगह पे कंप्रेशन होगी, दूसरी जगह पे रेयर फ्रिक्शन होगी। इसी तरीके से यही वेव आगे बढ़ रही है, फिर यही वेव इधर आगे बढ़ रही है। अब इसको देखें कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसको हम वेवलेंथ के हिसाब से कैसे माने। देखें कंप्रेशन जो है वन वेवलेंथ होती है, कंप्रेशन वन वेवलेंथ होती है। इधर रेयर फ्रिक्शन है और ये कंप्रेशन है, रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन, कंप्रेशन से लेके
कंप्रेशन तक आएगी तो ये वन वेवलेंथ जिसको लैम्डा से शो किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप नीचे आए, ये जो है एक रोप है और इसको जैसे ये वन एंड से अटैच किया गया है और दूसरी से इसको हैंड के साथ हिलाया जा रहा है और ये जैसे ऊपर जा रही है ये क्रेस्ट है और नीचे आ रही है जैसे ये वेव, वही वेव नीचे आ रही है, ये एक ट्रफ होता है और फिर क्रेस्ट ट्रफ। अब ये क्रेस्ट ले लेके क्रेस्ट तक ये जो है वन लैम्डा कहलाती है, मैं वन वेव लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स हैं जो ट्रांसफर, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो इसको होप्स कि आप लोगों ने ये ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को सही से समझा होगा। तो इसके लिए आपकी असाइनमेंट है, मेक दी नोट्स ऑफ दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स एंड शेयर दी टॉपिक, शेयर दी पिक्चर्स ऑफ दैट नंबर थ्रो व्हाट्सएप नंबर 03473787817। ओके, अल्लाह।